अंडर 15 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि खेलगांव के गणपतराय स्टेडियम में हो रही है, तो उनमें हमारे साथ है पंजाब के कोच राजेंद्र सिंह जी। आइए पूछते हैं कि उनसे कि पहलवानी में क्या क्या आवश्यक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेंद्र सिंह जी। थैंक यू सर। सबसे पहली बात तो जो जिन छोटे शहरों में जो इस तरह का आयोजन हो रहा है उससे कुश्ती को कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा जी। जो ऐसे तरह बड़े स्टेडियम बन रहे हैं यहाँ जो झारखंड में बने हैं, इसके बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। पहले तो ऐसा यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम नहीं होता था, लेकिन जिस स्टेडियम बनने के कारण ही ये जो राष्ट्रीय गेम्स हो रही है जी, अच्छी हो रही है जी। रांची में जो आयोजन हो रहा है कैसा लग रहा है आपको, कि किस तरह की फैसिलिटी है यहाँ? बहुत बढ़िया है जी, खाना पीना बहुत अच्छा है, और जो मेन है जो बच्चों की बाउट है कुश्ती की बहुत अच्छी हो रही है, डिसिप्लिन अच्छा है, खाना पीना अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ कुश्ती में डाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो क्या क्या डाइट बच्चों को खाना चाहिए? नेचुरल डाइट खानी चाहिए बच्चों को, जैसे घी है जी, फ्रूट है, दूध है, फ्रूट है, सलाद है, हरी सब्जी है, ये बच्चों को लेना चाहिए रूटीन में। किस एज के बच्चों को कुश्ती में आना चाहिए, किस एज में आना चाहिए, क्या लगता है आपको? बच्चे को 8 साल का बच्चा हो तो उसको कुश्ती में आना चाहिए। उसमें क्या है कि बच्चे की जो मूवमेंट्स हैं वो अच्छे बन जाते हैं, अपने फिजिकल जो फिटनेस अच्छी हो जाती है, जो लोच होती है बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़िया बन जाती है। मेंटली और फिजिकली जो बच्चे हैं वो कम से कम कुश्ती में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप देखते हैं कि कुश्ती में चोट लग जाता है उससे भी बच्चे डर जाते हैं, तो किस तरह से उसको काबू में करना चाहिए? देखो ये कोच का फर्ज बनता है कि बच्चे को इंजरी से दूर करना, उसकी सेफ्टी और सेफ रखना, उसको ऐसे डांस सिखाने चाहिए जो बच्चे को चोट ना लगे, तो ऐसी टेक्निक करवानी चाहिए, ऐसा काम करवाना चाहिए जो बच्चा चोट से दूर रहे। इस रेसलिंग में एक कोच का कितना इंपॉर्टेंस है, क्या लगता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। कोच के बगैर बच्चा पहलवान नहीं बन सकता। कोच होगा तो बच्चे को खाने पीने का करवाने का और पूरा ही उसका ध्यान रखेगा ही। जब हम कहीं ओलंपिक लेवल एशिया लेवल तक जाना चाहते हैं, एक कोच का बहुत अहम रोल है जी। भारतीय रेसलर्स अभी फिलहाल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ भी टूर्नामेंट हो रहा है, तो क्या रीज़न है इसका, क्या लगता है? जो हमारी फेडरेशन है जी, हमारे जो प्रेसिडेंट है जी, वो कुश्ती का बहुत ध्यान रख रहे हैं जी, बहुत फैसिलिटी अच्छी दे रहे हैं जी, रेसलर को बहुत ज़्यादा कैंप लगाते हैं जी, और उनकी वजह से जो हमारा रिजल्ट है गुड आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब जैसे भी जो अभी इंडियन टीम जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो अभी पहले की तुलना में अभी की जो ये है बहुत चेंज हो चुकी है, तो क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना चाहिए टेक्निकल रूप से? देखो जी, क्या जी, पहले भी फेडरेशन आई है, उन्होंने भी काम किया, लेकिन जो फेडरेशन जी अब आई है ना जी, ये बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है जी, और बाहर के फोरन के कोच मुहैया कराए हैं इंडिया को, बच्चों को हमारे कोच हैं, उनका तालमेल बन के है, और इसलिए हमारा अच्छा रिजल्ट आ रहा है जी। बच्चों को फिजिकली स्ट्रॉन्ग और टेक्निकल में स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसको बहुत अच्छा ध्यान से ध्यान करना चाहिए। हाँ, छोटे शहरों में जो अभी कर रहे हैं कोई, उसमें आगे जाके और बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि उनको टेक्निकल और स्ट्रॉन्ग और जो खाड़े की मिट्टी की कुश्ती से मैट की कुश्ती में आने बहुत अच्छा इनको फ़ायदा मिलेगा। रांची में किस तरह का आयोजन लग रहा है, क्या आयोजन? हाँ, बहुत बढ़िया है, अच्छा इनका ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, और टाइम के पंक्चुअल है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या लगता है आपको कि किस चीज़ पे बेसिकली फोकस करना चाहिए बच्चों? एक्चुअली 3 चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पहले तो उनका प्रैक्टिस, जितनी जरूरी प्रैक्टिस है उतनी जरूरी डाइट है, और उतनी ही जरूरी रेस्ट है भी है। अगर मतलब प्रैक्टिस करेगा, डाइट करेगा, रेस्ट नहीं करेगा, तो फिर कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तो आपने सुना कि कोच के माध्यम से कि किस तरह से बच्चों को डाइट पे पूरा ध्यान देना चाहिए, नेचुरल डाइट लेनी चाहिए, और जो उम्र है जो करीब 8 साल की जो उम्र है, उस उम्र में अगर बच्चे पहलवानी के लिए आते हैं तो वाकई में वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ प्रोजेस, न्यूज 22 को, रांची।